हेलो दोस्तों, आज हम पिछली वाली स्टोरी का दूसरा पार्ट ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपने पिछली वाली स्टोरी नहीं देखी हो तो राइट क्लिक कीजिए और वो वाली स्टोरी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है दंतिल और गोरम पार्ट 2। मैंने इसका अथवा इसके किसी प्रिय का कोई अनिष्ट तो किया नहीं, तो हमें सबसे पहले इसमें लिखना है, इसमें हमको पहचानना है कि मेन सेंटेंस क्या है। तो मेन सेंटेंस है कि मैंने कोई अनिष्ट नहीं किया, मैंने अनिष्ट नहीं किया, कोई अनिष्ट तो किया नहीं। तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो आई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव का यूज करेंगे, नॉट नहीं किया तो नॉट। अब हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। आई हैव नॉट डन, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या अनिस्ट, तो एनी, कोई अनिस्ट ये लिखा है, कोई अनिस्ट, तो इसकी इंग्लिश होगी एनी हार्म, एनी हार्म। अब किसका, इसका अथवा इसके किसी प्रिय का, तो इसका पहले लिखेंगे इसका, टू हिम, टू हिम। अब लिखा है अथवा, तो और इसके किसी प्रिय का, अब हम ये लिखेंगे तो इसके किसी, तो एनी ऑफ हिज बिलेव्ड, एनी ऑफ हिज बिलेव्ड, इसके किसी प्रिय का। दोस्तों अगला सेंटेंस है, फिर भी यह राजा मुझ पर अप्रसन्न क्यों हुआ, देन वाय, यह राजा तो दिस किंग, अब हमको लिखना है अप्रसन्न क्यों हुआ, तो वाय दिस किंग इज, मतलब अप्रसन्न क्यों है। सो मच अनहैप्पी, मुझ पर तो विद मी, आई अपोलोजाइज फॉर माई हैंड राइटिंग, बट माई एम इज टू टीच यू वॉट इज द मेन सेंटेंस इन अ लॉन्ग सेंटेंस। लॉन्ग सेंटेंस इज कंसिस्ट ऑफ सो मेनी शॉर्ट सेंटेंसेस एंड यू नीड टू रिकग्नाइज द मेन सेंटेंस। इफ यू आर एबल टू रिकग्नाइज वॉट द मेन सेंटेंस इज, देन आफ्टर यू विल बी एबल टू ट्रांसलेट नो मैटर हाउ लॉन्ग सेंटेंस इट मे बी। सो इन दिस होल स्टोरी आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू रिकग्नाइज द मेन सेंटेंस। दंतिल राजा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से एक बार राजभवन की ओर गया तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। अब इन दिस सेंटेंस आई एम गोइंग टू टीच यू द मेन सेंटेंस। तो इसमें मेन सेंटेंस क्या है, दंतिल राजा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से एक बार राजभवन की ओर गया तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। अब इसमें दो तीन सेंटेंस है, लेकिन पहला मेन सेंटेंस क्या है कि दंतिल राजभवन की ओर गया, तो दंतिल वेंट, गया, टुवर्ड्स, वेंट टुवर्ड्स राजभवन की तरफ, द पैलेस, किस लिए गया हम लिखेंगे, राजा को प्रसन्न करने के उद्देश्य, तो एमिंग, एमिंग टू प्लीज द किंग, तो राजपाल ने उसे रोक दिया, सॉरी, तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। बट
द्वारपाल की लिस्ट होगी गेट कीपर, स्टॉप डेम। सो फ्रेंड्स डू नॉट गो एनीवेयर, दिस इज हाउ यू गोना लर्न टुडे हाउ टू रिकग्नाइज द मेन सेंटेंस एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। गौरम ने जब यह देखा तो व्हेन, पहले इंग्लिश लिखेंगे जबकि, तो जबकि इंग्लिश व्हेन, गौरम ने यह देखा, व्हेन गौरम व्हेन गौरम यह देखा, सी की सेकंड फॉर्म सा दिस, तो उसने कहा, तो इंग्लिश नहीं लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, ही सेड, भाई ध्यान रखना, ब्रदर बी केयरफुल, तो राजा सेठ तो राजा का विशेष कृपा पात्र है, दिस सेठ इज अ स्पेशल फेवर। टू द किंग, विशेष कृपा पात्र है, इज क्लोज टू द किंग या फिर इज ए स्पेशल फेवर टू द किंग, राजा का विशेष कृपा पात्र है, कहीं इसे नाराज करके तुम मेरी तरह ही धक्के मारकर ना निकाल दिए जाओ। अब ये सेंटेंस आपको बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन विश्वास कीजिए इतना ही आसान हो जाएगा। कहीं इसे नाराज करके तुम भी मेरी तरह ही धक्के मार के ना निकाल दिए जाओ। तो पहले हम लिखेंगे कहीं तुम भी, कहीं तुम भी धक्के मार के ना निकाल दिए जाओ। तो जहां पर कहीं ना दिए जाओ आ जाता है, तो वहां पर हम यूज करते हैं लेस्ट, लेस्ट लिस्ट की इंग्लिश होगी होती है कहीं, LEST, यू शुड, लिस्ट यू शुड बी, लिस्ट यू शुड बी थ्रोन आउट, धक्के मार करके निकाल दिया जाना कि इंग्लिश होती लिस्ट यू शुड बी थ्रोन आउट। एक मेन बात और है कि जहां पर लिस्ट आ जाता है वहां पर हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही निगेटिव वे में यूज किया जाता है। तो लिस्ट यू शुड नॉट नहीं होगा, लिस्ट यू शुड बी थ्रोन आउट, तुम भी धक्के मार करके ना निकाल दिए जाओ। अब लिखा है मेरी तरह, लाइक मी, मेरी तरह, अब इसके लिए लाइक मी। अब लिखा जाएगा इसे नाराज करके, इसे नाराज करके, तो मेकिंग हिम एंग्री। मेकिंग हिम एंग्री, दोस्तों लेट्स मूव ऑन टू दी अदर पैरा। दंतिल ने सुना तो उसका माथा ठनका, तो जब दंतिल ने सुना, व्हेन दंतिल
हर्ड दिस। जब दंतिल ने यह सुना उसका माथा ठनका, मतलब उसने सोचा, उसने रियलाइज किया, ही रियलाइज्ड। उसे विश्वास हो गया, उसे विश्वास हो गया तो मतलब उसको यकीन हो गया, तो ही वॉज कन्विंस्ड। किस चीज में विश्वास हो गया अभी पता चलेगा। ही वॉज कन्विंस्ड दैट राजा को गोरम्भ ने ही भड़काया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? गोरम्भ। दैट गोरम्भ हैज प्रोवोक्ड, भड़काया है। प्रोवोक्ड वह सोचने लगा कि राजा की सेवा में नियुक्त व्यक्ति चाहे कितना ही कुलहीन, मूर्ख और राजा द्वारा सम्मानित क्यों ना हो, वह लोक में उसका आदर होता है। तो ही स्टार्टेड थिंकिंग वह सोचने लगा ही स्टार्टेड थिंकिंग। अब लिखा है कि राजा द्वारा सेवा में नियुक्त व्यक्ति चाहे कितना ही, तो नो मैटर हाउ, सबसे पहले लिखा जाएगा नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ का मतलब होता है चाहे कितना ही। नो मैटर हाउ पर्सन, अब लिखा जाएगा राजा की सेवा में नियुक्त, राजा की सेवा में नियुक्त व्यक्ति, तो व्यक्ति की इंग्लिश होगी अ पर्सन, सेवा में नियुक्त तो डिप्लॉयड, अ पर्सन डिप्लॉयड इन दी सर्विस। ऑफ द किंग मे बी हो, मे बी इसकी इंग्लिश लिख दी मे बी हो, क्या हो? कुलहीन, तो कुलहीन की इंग्लिश होती है इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मूर्ख फूल। एंड रेस्पेक्टेड बाय द किंग, लोग में उसका आदर होता है, तो उसका आदर होता है ही इज गिवन रिस्पेक्ट, उसका आदर किया जाता है ही इज गिवन रिस्पेक्ट इन दी सोसाइटी। इन दी सोसाइटी लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। उसे गोरम का अपने द्वारा किया गया अपमान याद हो आया, तो याद हो आया, उसे याद हो आया, उसे याद हो आया कि इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो ही रिमेम्बर याद हो आया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, रिमेम्बर्ड ही रिमेम्बर्ड क्या याद हो आया? ह्यूमिलिएशन अपमान, ही रिमेम्बर्ड द ह्यूमिलिएशन
किसको? गोरम का, ही रिमेंबर द ह्यूमिलिएशन टू गोरम। अपने द्वारा किया गया, तो डन बाई हिम। दंतिल राजभवन के द्वार से वापस आ गया, तो दंतिल। अब दंतिल वापिस आ गया तो केम बैक। कहां से? राजभवन के द्वार से, तो द्वार से, फ्रॉम दी गेट ऑफ दी राजभवन या फिर पैलेस। रात को उसने गोरम को आदर पूर्वक अपने घर बुलाया, तो उसने अपने घर, गोरम को उसने अपने घर बुलाया, पहले लिखेंगे तो ही। He invited Gorum to his home, to his home, आदर पूर्वक, तो रेस्पेक्टफुली। रात को, तो एट नाइट, एट नाइट। और उसका खूब स्वागत सत्कार किया, एंड गेव हिम अ वार्म वेलकम। गेव हिम अ वार्म वेलकम, उसका खूब आदर सत्कार किया, गेव हिम अ वार्म वेलकम। विदा करते समय उससे अपने पिछले व्यवहार की क्षमा मांगी, तो गोरम बोला, तो गोरम बोला। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तो, इंग्लिश वेन। विदा, अब विदा करते समय उसने अपने पिछले व्यवहार की क्षमा मांगी, तो वेन ही आस्क्ड फॉरगिवनेस। वेन ही आस्क्ड फॉरगिवनेस, जब उसने क्षमा मांगी, किस लिए? अपने पिछले व्यवहार, अपने पिछले व्यवहार की, तो फॉर हिज लास्ट बिहेवियर, फिर पास्ट बिहेवियर, बिहेवियर तो गोरम बोला, गोरम रिप्लाइड, आप चिंता ना कीजिए सेठ, सेठ आप चिंता ना कीजिए, यू डू नॉट वरी। सेठ आप चिंता ना कीजिए। राजा किस प्रकार आपको अनुग्रहित करता है, या आप मेरी बुद्धि के चमत्कार से देखेंगे। तो हम पहले लिखेंगे या आप मेरी बुद्धि के चमत्कार से देखेंगे, तो यू विल सी, यू विल सी, विद यू विल सी विद मिरेकल ऑफ माई इंटेलेक्ट।
इंटेलेक्ट। यू विल सी विद मिरेकल ऑफ माई इंटेलेक्ट, आप मेरी बुद्धि के चमत्कार से देखेंगे दैट हाउ, कि राजा किस प्रकार आपको अनुग्रहित करता है, दैट हाउ द किंग फेवर्स यू। अनुग्रहित करना की इंग्लिश होती है फेवर, तो फेवर्स यू। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो एंड लर्निंग अ लॉट। किसी ने ठीक ही कहा है कि तराजू की डंडी की भांति ही क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव होता है। किसी ने ठीक ही कहा है, तो समवन, किसी ने की होगी समवन हैज राइटली सेड, समवन हैज राइटली सेड कि तराजू की डंडी की भांति ही क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव होता है। तो क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव होता है, पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। तो क्रूर व्यक्तियों के स्वभाव की इंग्लिश होती है द नेचर, द नेचर ऑफ क्रूअल पीपल। इज लाइक, नेचर ऑफ क्रूअल पीपल इज लाइक, क्रूर व्यक्तियों का स्वभाव होता है किसकी तरह, तराजू की डंडी की तरह। तो तराजू की डंडी की इंग्लिश होती है द स्टिक, द स्टिक ऑफ अ स्केल। विद तनिक से भार से कभी ऊपर तो ऊपर हो जाते हैं तो कभी नीचे, दे समटाइम्स गो अप, वे कभी ऊपर हो जाते हैं, एंड समटाइम्स गो डाउन, समटाइम्स गो अप एंड समटाइम्स गो डाउन, कभी नीचे तो कभी ऊपर हो जाते हैं तनिक भार से। तो विद तनिक इंग्लिश होती है स्मॉल वेट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इस प्रकार दूसरे दिन जब कोरम प्रातः काल के समय राजा के शयन कक्ष में सफाई करने गया, तो इस प्रकार की इंग्लिश होगी लाइक दिस, लाइक दिस, इस प्रकार की इंग्लिश हो गई लाइक दिस। दूसरे दिन जब गोरम, तो लाइक दिस दूसरे दिन, लाइक दिस द नेक्स्ट डे। ये भी हो गया जब गोरम, तो वेन गोरम, जब गोरम भी लिख दिया। प्रातः काल के समय राजा के शयन कक्ष में साफ सफाई करने गया, तो राजा के शयन कक्ष में गया, पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो वेंट टू दी, वेंट टू दी किंग्स रूम। अब क्या करने गया, सफाई करने, फॉर क्लीनिंग।
कब गया प्रातः काल, इन द मॉर्निंग। तो पहले की भांति वह बड़बड़ाने लगा, तो वह बड़बड़ाने लगा, ही स्टार्टेड मम्बलिंग। बड़बड़ाने की इंग्लिश होती है मम्बलिंग। ही स्टार्टेड मम्बलिंग पहले की तरह, लाइक बिफोर। हमारे राजा भी बड़े विचित्र हैं। क्या बड़बड़ा रहा है? अवर किंग, हमारे राजा भी बड़े विचित्र है। अवर किंग इज सो स्ट्रेंज। मल त्याग करते वक्त भी ककड़ी खाते रहते हैं। तो वह ककड़ी खाते रहते हैं, पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी। ही कीप्स ईटिंग, ही कीप्स ईटिंग क्यूकुम्बर, ही कीप्स ईटिंग क्यूकुम्बर मल त्याग करते वक्त। तो वाइल, जब दो कार्य एक साथ करते हैं तो हम यूज करते हैं वाइल का। वाइल मल त्याग करने की इंग्लिश होती है डेफिकेटिंग, DEFECATING, डेफिकेटिंग। ही कीप्स ईटिंग क्यूकम्बर वाइल डेफिकेटिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। राजा ने सुना तो वह गुस्से से बोला, When the king heard this, he shouted in anger, वो गुस्से से चिल्लाए। गोरी, यह क्या बकवास कर रहा है? गोरी, यह क्या बकवास कर रहा है? व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? या क्या बकवास कर रहा है? तूने कभी मुझको ऐसा करते देखा था? या फिर तूने कभी मुझको ऐसा करते देखा है? यहाँ पर था गलत लिख गया है। तो हैव यू, कभी मुझे देखा, ये क्वेश्चन है। तो हैव यू कभी की इंग्लिश होगी एवर सीन मी डूइंग दिस। Have you ever seen me doing this? गोरम ने फिर उसी प्रकार कह दिया। तो गोरम said like that, उसी प्रकार कह दिया। क्या कह दिया? कि रात भर वह जुआ खेलता जागता रहा था। That he गैम्बल्ड एंड, पूरी रात जुआ खेला, गैम्बल्ड एंड अवेक दी होल नाइट।
इसीलिए नींद में वह क्या कुछ बड़बड़ा रहा है उसे कुछ नहीं मालूम। तो पहले लिखा जाएगा उसे कुछ नहीं मालूम, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो एनी थिंग वह रात, वह नींद में क्या कुछ बड़बड़ा गया है। ही डज नॉट नो एनी थिंग वॉट, वह क्या बड़बड़ा गया, वॉट ही हैज मम्बल्ड। इन ही स्लीप, फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तब राजा ने विचार किया कि उसने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया, फिर भी इस मूर्ख ने इस प्रकार की बात मुंह से निकाली। तब राजा ने विचार किया, देन द किंग थॉट थॉट उसने कभी ऐसा कृत्य नहीं किया। ही हैज नेवर, ही हैज नेवर डन सच थिंग, ऐसा कृत्य नहीं किया। फिर भी यट इस मूर्ख ने इस प्रकार की बात मुंह से निकाली। यट दिस फूल स्पोक, मुंह से बात निकाली मतलब बोला, स्पोक सच थिंग, स्पोक सच थिंग। तब निश्चित ही दंतिल के बारे में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा, तब निश्चित ही। देन श्योरली, तब निश्चित ही दंतिल के बारे में भी इसने इसी प्रकार कहा होगा, तो इसने इसी प्रकार कहा होगा। श्योरली ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव सेड, उसने कहा होगा अबाउट दंतिल। इसी प्रकार लाइक दिस, यह विचार आते ही उसको पश्चाताप होने लगा, या फिर उसको पश्चाताप हुआ। यह विचार आते ही थिंकिंग दिस, यह विचार आते ही थिंकिंग ही रिपेंट्स, वह पश्चाताप करने लगता है, होने लगा नहीं, उसने पश्चाताप किया। ही रिपेंट्स, इफ यू वॉन्ट टू ट्रांसलेट एज इट इज रिटन इन हिंदी देन यू कैन से ही स्टार्टेड रिपेंटिंग, उसको पश्चाताप होने लगा। बट द ट्रू सेंस इज उसने पश्चाताप किया, उसको पश्चाताप होता है, ही रिपेंट्स। उसने दंतिल को सम्मान पूर्वक राजभवन में बुलाया, ही इन्वाइटेड ही इन्वाइटेड दंतिल,
कहां पे बुलवाया? टू द पैलेस, सम्मान पूर्वक, तो रिस्पेक्टफुली। और उसका खूब स्वागत सत्कार किया, एंड खूब स्वागत सत्कार करना इंग्लिश होती है गेव, एंड गेव हिम अ वार्म वेलकम। दंतिल का राजभवन में पुनः आवागमन होने लगा, तो दंतिल ने राजभवन में फिर से आना जाना स्टार्ट कर दिया। तो दंतिल हैज रीस्टार्टेड विजिटिंग द पैलेस। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द स्टोरी प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लेट मी नो बाई यू नो मेकिंग योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।